Hey guys, Mamun here. Welcome to my channel. So, आज हम बनाने वाले हैं एक चिल्ला जिसको हम बोलते हैं, मेरे पापा बोलते हैं उसको वेजिटेरियन ऑमलेट. जो लोग एग्स नहीं खा सकते हैं वो लोग इसको खा सकते हैं और बहुत मल्टीपल बेनिफिट्स है इसका. तो ये है हमारा मोरिंगा लिप्स एंड बेसन का चिल्ला. तो देखते हैं हम ये कैसे बनाएंगे. सो इजी, सो क्विक एंड हेल्दी, ऑफ कोर्स टेस्टी. सो ये लेट्स गो. यहाँ बेंगलोर में तो बहुत मुश्किल से मिलती है मोरिंगा लिप्स, तो पापा कहीं से तो ढूंढ के लाए थे. तो पहले हम मोरिंगा लिप्स को अच्छे से क्लीन कर देंगे, धो देंगे. उसके बाद उसे बारीकी से कट कर लेंगे. उसके बाद हम एक बाउल लेंगे, 2 स्पून बेसन ऐड करेंगे, फिर मोरिंगा लिप्स ऐड कर देंगे और उसके बाद कुछ चिलीज डालेंगे, ग्रीन चिलीज. तो मैं तो कम लेती हूँ, आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो. उसके बाद अदरक को ग्रेट कर देंगे, उसका जैसे कि हमें उसे मिक्स करने में ना आसानी हो जाएगी. फिर हम उसमें से नमक ऐड करेंगे, हल्दी, जीरा पाउडर एंड रेड चिली. उसके बाद हम उसमें से कुछ अजवाइन भी ऐड करेंगे जो हमें डाइजेशन में हेल्प करती है. फिर हम पानी मिलाएंगे एंड एक अच्छा सा मिक्स देंगे. उसके बाद मिक्स 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 मिक्स, हाँ अच्छे से बन गया हमारा बैटर. फिर कुछ कटी हुई ऑनियन ऐड कर देंगे. सो हमारा बटर रेडी. उसके बाद एक तवा हीट करके उसमें से हमारा बटर अच्छे से इवेनली हम स्प्रेड कर देंगे तो वो ठीक से पक जाएगा एंड थोड़ा सा क्रिस्पी भी होता है. उसको हम ढक देंगे 5 मिनट के बाद. उसके हम मैंने यहाँ पे अगेन तिल या सिसमी सीड्स का ऑयल मैंने लिया है. फिर उसको फ्लिप कर देंगे. फ्लिप करने के बाद उसके अच्छे से प्रेस कर देंगे जो वो पीछे वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छे से पक जाएगा एंड इट्स रेडी. इसको तो मैंने खाया था चटनी के साथ, वो चना दाल का चटनी के साथ. आप ग्रीन चटनी के साथ भी ले सकते हो और ये बहुत टेस्टी, हेल्दी होता है और एक सफिशिएंट होता है खाने के लिए. हे गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, मेरा रेसिपी पसंद आया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.